नमस्कार, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ न्यूज चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है कि इन दिनों में हमारे महामहिम श्री अरुण कुमार पासवान जी का देशव्यापी दौरा प्रारंभ है और वो विभिन्न राज्यों में यात्रा कर रहे हैं। इसी क्रम में देवों की नगरी उत्तर प्रदेश में उनका कल से 10 तारीख से आगमन चालू हो गया। कल का प्रोग्राम का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसे हमारे अति प्यारे मित्र बंधुओं ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से दिया है, जिसमें हमारे माननीय श्री अरुण कुमार पासवान जी का स्वागत समारोह में अहम भूमिका निभाने वाले महापुरुष सुनील कुमार तिवारी, संतोष कुमार बारी, विनय मिश्रा, मुकेश वर्मा, डॉक्टर फिरोज अहमद, अजय कुमार इत्यादि सभी तमाम मजदूर भाइयों को मेरा प्रणाम, जो कि पड़रौना माल गोदाम से हमारे मुख्य गार्जियन अरुण कुमार पासवान जी का स्वागत समारोह में और उनके कार्यक्रम में जोर शोर से अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इसके बाद भी और कई कार्यक्रम हैं। आज भी एक कार्यक्रम है 11 तारीख को, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि 11 सितंबर 2022 को, जो कि आज संडे है, गोरखपुर नकहा माल गोदाम पर महामंत्री जी का एक धन्यवाद कार्यक्रम है। इसी में आप जानेंगे कि आखिर हम लोगों का ज्वाइनिंग कब मिलेगा, कितना वेतनमान मिलेगा इत्यादि इत्यादि आप उनके खुद के जुबान से सुन पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं जो पड़रौना माल गोदाम में जो कार्यक्रम हुआ कल शनिवार को, उसका वीडियो मैं हमारे मित्रों द्वारा भेजे गए हैं उसे डाल रहा हूं। आप उसे अपने मित्रों को शेयर करके उन्हें बधाई दे दें कि आने वाले समय में उनके जीवन में रेलवे माल गोदाम मजदूर यूनियन के तहत क्या प्राप्त होने वाला है। तो मेरा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये एक मजदूरों का मीडिया के रूप में उभर सके। और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी अच्छी वीडियो इसमें डालूं, मजदूरों से रिलेटेड वीडियो डालूं, प्रेरणात्मक वीडियो डालूं, कुछ एंटरटेन की ज़रूरत है तो एंटरटेन का भी वीडियो डालूं इत्यादि। ठीक है, तो आप तैयार रहें कल का, आज का समारोह में। सभी मजदूर भाइयों, बहनों, माता पिताओं, बच्चों से निवेदन करता हूँ कि वे नकहा माल गोदाम पर जाएं और मनोरंजन जी और महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी का स्वागत करें। और इसके साथ साथ कल भी एक कार्यक्रम है जिसके विषय में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिया हूँ। हाँ, इससे पहले वाले और एक वीडियो मैंने डाला है अरुण कुमार का ऑफिशियल मीटिंग जो हमारे कार्यालय में हुआ था, उसका ऑफिशियल वीडियो मैंने डाला है। उसमें आवाज़ सही तरीके से हमारे अरुण कुमार पासवान जी का नहीं आ रहा है। मैं उसको अपनी आवाज़ में कोशिश करूँगा आने वाले समय में कि उनकी आवाज़ को मैं आवाज़ देकर आप लोगों तक उनका संदेश को पहुंचाओ। ठीक है, तो मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप नहीं जान पाइएगा कि आखिर हमारे श्रमिक संघ में क्या हो रहा है और आपके जीवन में क्या होने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब कर लें और आगे पड़रौना माल गोदाम या उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे महामहिम श्री अरुण कुमार पासवान जी, मनोरंजन जी या अन्य डॉक्टर दिगंबर प्रसाद मेहता जी, अभिषेक आनंद जी इत्यादि का जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके विषय में मैं डालता रहूँगा। मैं निवेदन करूँगा कि जिस जिस माल गोदाम में कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर में आप सारे वीडियो डाटा भेज दें, ताकि मैं उसे न्यूज़ के रूप में इस मीडिया चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचा सकूँ। इसलिए मैं बड़ी आभारी रहूँगा आप लोगों के प्रति अगर आप फुटेज उन कार्यक्रमों का भेजें, उन कार्यक्रमों का ऑडियो भेजें, उन कार्यक्रमों का वीडियोस भेजें, और या तो उन कार्यक्रमों का जो दृश्य है उसको भेजें और मैं उसे अपने मीडिया चैनल के माध्यम से प्रमोट करूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि भारतीय रेलवे माल गोदाम में भारत के विभिन्न भागों में क्या हो रहा है और भारत सरकार हमारे लिए क्या करने जा रही है इत्यादि इत्यादि। इसलिए आगे देखें हमारे महामहिम श्री अरुण कुमार पासवान जी का उत्तर प्रदेश में दी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। Thank you and God bless you.
Yeah.
उसका बाप भी नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा कभी तनख्वाह उठाएगा। उसकी पत्नी भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिससे मेरा शादी अब निकाह हो रहा है वो कभी सरकारी का तनख्वाह उठा सकता है, पैसा उठा सकता है। उसको शादी कराने वाला बीच में जिसको हम लोग अगुआ कहते हैं, जो मदद करता है, उसको भी पता नहीं था कि इसको कुछ हो सकता है। वो तो जानता था एक गरीब लड़की है, ऐसा कोड है, सेफ्टी कोड है, जो आदमी जिस
जैसा कि आपने सुना हमारे महामहिम श्री अरुण कुमार पासवान जी का वो ऐतिहासिक भाषण जो सारे मजदूरों की उम्मीद को जगा दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश में हो रही रथ यात्रा के विषय में पूरी जानकारी देता रहूंगा। साथ ही साथ आने वाले समय में जितने भी बैठक होंगे, जितने भी यात्राएं होंगे या जितने भी अपडेट होंगे, वो सारे के सारे वीडियोस को मैं इस चैनल के माध्यम से न्यूज़ के तौर पर डालने की कोशिश करूंगा। आपको भी यदि किसी प्रकार का न्यूज़ भारतीय रेलवे मार्ग गोदाम श्रमिक संघ से रिलेटेड हो, वे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं दे रखा हूँ उस व्हाट्सएप नंबर में अवश्य भेज दें। आप स्वयं की आवाज़ भी भेज सकते हैं क्योंकि ये आपकी आवाज़ की चैनल है। BRMGSS के मजदूरों की आवाज़ का ये चैनल है। मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि मैं मजदूरों, गरीबों, दुखियों की आवाज़ बनकर इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपका सहयोग चाहिए, इसलिए मैं अनुरोध, विनय, निवेदन करूँगा आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत की मीडिया जो कि कई कॉरपोरेट जगत है उसे हराने की कोशिश करें, क्योंकि वे लोग ना तो मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं ना उनके दुख दर्द में उनका साथ देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में कई चैनल हैं, GTV है, आज तक है, ABCDEFGH कई चैनल हैं, लेकिन कभी भी ये चैनल्स आपकी आवाज़ को नहीं उठाते हैं। वे ऐसी आवाज़ को उठाते हैं जिससे भारत की जनता दिग्भ्रमित हो जाते हैं। एकता के सूत्र में बंधे रहें। मजदूरों का देश और किसानों का देश भारत में अवश्य रूप से आने वाले समय में महान क्रांतियाँ आएंगी। लोग समझेंगे इस बात को और क्रांति का एक मार्ग को अपनाकर हमारे देश के तीन दुखियों का सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे चैनल को रेड बटन जो दिख रहा है उसे दबाकर बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उन वीडियोस को देखकर आप कुछ ज्ञान, कुछ जानकारियां हासिल कर लें। इस चैनल को मैं एक न्यूज़ चैनल के रूप में उभार रहा हूं, इसलिए मुझे आप सबों का सहयोग अपेक्षित है और मैं आने वाले समय में प्रॉमिस करता हूं कि इस चैनल में हम आज तक के जितने न्यूज़ मीडिया चैनल हैं, आज तक हो चाहे ABCD हो या GTV हो, NDTV हो, जो कि कॉरपोरेट घराने के मीडिया हैं, उन सभी को आप मजदूर ही हैं जो हरा सकते हैं। आप उनका ना देखकर आपके काम की बातों को देखना शुरू करें, तब ही परिवर्तन आएगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत का नारा देते हुए आपसे सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड नाइट।